आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे फिर लाइटरूम हो, चाहे वो बेसिक से एडवांस लेवल की हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप सिर्फ फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप स्किन रीटचिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप फैशन फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, पोर्ट्रेट एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप लैंडस्केप एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फिर आप एडवांस फोटो मैनिपुलेशन सीखना चाहते हो, तो इन सब के लिए मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स हैं जो कि अभी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर harshvardhanart.com पर, और वो अवेलेबल है udemy.com पर। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप उसको ह्यूज डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं और इस चैनल की हेल्प कर सकते हैं। मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स का फ़ायदा ये है कि आपको वहां पर मिलेगी पर्सनल अटेंशन, आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर आप स्टक हो जाते हो, कहीं पर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं प्रोफेशनल लेवल की। यहाँ पर हो सकता है मैं थोड़ा सा डिले कर दूँ, हालांकि मैं यहाँ भी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम ट्यूटोरियल्स खरीदते हैं तो उसमें आपका टाइम बचता है और आपको साथ ही साथ लर्निंग में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि वो मेरे ट्यूटोरियल्स बहुत ही इन डेप्थ होते हैं। और अगर आप मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स को परचेज नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर भी फ्री में ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ हर वीक। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को इससे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस इमेज को हम एडिट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल जे और कमांड जे टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी। इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी, फिर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर में, कैमरा रॉ फिल्टर में, और कैमरा रॉ फिल्टर ओपन होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम, और शेडोज़ को ओपन अप करेंगे, और वाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ब्लैक को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। और फिर यहाँ पर शार्पनिंग में आएंगे, ओल्ट और ऑप्शन प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे ताकि हमारे को एज इज दिखाई दें, और शार्पनिंग के इसको अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, ल्यूमिनेंस के स्लाइडर को इंक्रीज कर देंगे। फिर आएंगे हम यहाँ पर एफएक्स पैनल में, और एफएक्स पैनल में हम यहाँ से विनिट अमाउंट थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, समथिंग लाइक दिस। और फिर यहाँ पर आएंगे HSL पैनल में और ल्यूमिनेंस में, और ल्यूमिनेंस में रेड का, ऑरेंज का और येलो का हम ल्यूमिनेंस इंक्रीज कर देंगे, तो उससे हमारी थोड़ी सी ब्राइटनेस हमें स्किन में मिल जाएगी। और उसके बाद हम प्रेस करेंगे ओके। तो देखिए ये हमारी सेटिंग इसमें अप्लाई हो गई। अब हम इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल जे कमांड जे टू हैव अ डुप्लीकेट कॉपी। एक इसकी और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वंस अगेन। तो इसमें जो हमारा पहले वाला फिल्टर है, कैमरा रॉ फिल्टर, वो हट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे फिल्टर में और सिलेक्ट करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर, और अब की बार हम जाएंगे कैमरा कैलिब्रेशन में, और यहाँ से जो ब्लू प्राइमरी है उसको हम इस साइड ले आएंगे सायान की तरफ, और ग्रीन प्राइमरी को भी सायान की तरफ, और रेड को इसको हम थोड़ा ऑरेंज की तरफ, समथिंग लाइक दिस। और फिर यहाँ पर ग्रीन प्राइमरी की हम जो सैचुरेशन उनके उसको इंक्रीज करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर करके देखते हैं, नहीं यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो यहीं पर रहने देते हैं। और फिर आते हैं बेसिक पैनल में, और टेम्परेचर जो है इसको हम कूल की तरफ ले जाएंगे, कूलर साइड में, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का यहाँ पर, ठीक है। फिर HSL पैनल में आएंगे, ह्यू में आएंगे, और जो ब्लू की ह्यू है उसको हम यहाँ पर कर देंगे सायन की तरफ, और ग्रीन की भी, और एक्वा की भी, और पर्पल आई थिंक कुछ काम नहीं कर रहा है, और जो ये ऑरेंज वाली है उसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर ले जाएंगे येलो की साइड, और येलो को आई थिंक येलो को यहीं रहने देते हैं, और रेड को थोड़ा ऑरेंज की साइड। और फिर आप बेसिक में जाके आप देख सकते हैं पी प्रेस करके बिफोर एंड आफ्टर, एंड फिर हम प्रेस करेंगे ओके। तो देखिए ये हमारा अप्लाई हो गया है, ये हमारा बिफोर था और ये आफ्टर, हमने ये अप्लाई किया। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर
अपना कलर लुकअप में, और यहाँ पर यहाँ से चेंज कर देंगे टू स्ट्रिप लुक, और फिर इसका लेयर ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे हम कलर्स, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा कुछ इस तरह का हमें रिजल्ट मिलेगा, या फिर हम ट्राई करते हैं थ्री स्ट्रिप लुक, या फिर और देखते हैं कोई और अगर अच्छी लगती है तो। आई थिंक ये वाली क्रिस्प विंटर लुक ये भी अच्छी लग रही है, आई थिंक यस, ये हॉरर ब्लू वो भी अच्छी लग रही है। ओके, तो हॉरर ब्लू पे हम चले आते हैं, हॉरर ब्लू। ओके, और इसको अगर हम नॉर्मल करके देखें, ओके आई थिंक कलर में ही हम इसको जाएंगे, और ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएंगे कर्व्स एडजस्टमेंट में, और कर्व्स एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लू चैनल, और इसको शेडोज़ में थोड़ा सा डाल देंगे, ड्रैग कर देंगे ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा डाउन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ग्रीन चैनल, और ग्रीन चैनल को भी थोड़ा सा नीचे हम डाउन करेंगे, और इसको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे रेड चैनल, और रेड चैनल को शेडोज़ में से हटा देंगे थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस, हल्का सा। और इस वाले हाइलाइट्स वाले स्लाइडर में हम थोड़ा सा और रेड ऐड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो उससे ये देखिए आप थोड़ा सा इस तरह की हमारे को लुक मिल गई है। उसके बाद हम जाएंगे कलर बैलेंस में, और कलर बैलेंस में हम यहाँ पर मिड टोन को पहले टारगेट करेंगे, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा रेड, और लेट्स सी ग्रीन, और यहाँ से समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ब्लू, और शेडोज़ में फिर आएंगे हम साइन ऐड कर देते हैं, और ग्रीन, ओके मैजेंटा, थोड़ा सा मैजेंटा, और येलो, लेट्स सी, आई थिंक येलो की साइड ये थोड़ा सा -13, और फिर हाइलाइट्स में जाते हैं, और हाइलाइट्स में भी हम अब की बार ऐड करते हैं थोड़ा सा साइन, और यहाँ से मैजेंटा को हम ग्रीन की साइड ले जाएंगे, और येलो को लेट्स सी आई थिंक येलो की साइड ये अच्छा लग रहा है, तो इसको येलो की साइड हम कर लेंगे। तो आप देखिए ये इसके बिफोर और ये आफ्टर, अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब हम एक फाइनली एक इसकी मर्ज कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाकर। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टिव कलर्स में, और यहाँ पर हमारे को मिलता है रेड, तो रेड को हम एडजस्ट करके देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्लाइडर्स हैं, तो आप उनसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। रेड का आपको इस तरह का लुक चाहिए, इसको डार्क या लाइटर भी कर सकते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। फिर यहाँ से चैनल चूज़ करते हैं येलो, और येलो को आई थिंक यहाँ पर साइन की साइड ले जाते हैं, थोड़ा सा मैजेंटा इंक्रीज करते हैं, और येलो, और आई थिंक इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर आता है हमारा ग्रीन, तो ग्रीन में देखते हैं क्या होता है, साइन ऐड करते हैं, मैजेंटा, येलो और ब्लैक्स, ओके। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं साइन कलर, और साइन में देखते हैं, ओके थोड़ा और साइन ऐड कर देते हैं, मैजेंटा इसमें से करते हैं कम, और येलो को ले आते हैं हम यहाँ पर, और ब्लैक्स को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। फिर आता है हमारा कलर ब्लू, और ब्लू में आई थिंक ब्लू में कुछ खास फर्क नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको डार्क ही रखते हैं। और फिर आता है हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल को देखते हैं, और न्यूट्रल में अब हम क्या करके देखते हैं, थोड़ा सा साइन माइनस की साइड ले जाते हैं, मैजेंटा को प्लस की साइड, और येलो को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस, और ब्लैक्स को थोड़ा सा और, ताकि हमारी
कंट्रास्ट हमारी इमेज में आ गए। तो आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर। अभी देखिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है इस कलर की वजह से, तो हम मास्क को सिलेक्ट करेंगे ब्रश टू और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट कलर ले लेंगे ब्लैक और ओपेसिटी 50% और यहाँ पर पेंट कर देंगे ताकि ये जो हमारी कलर डिस्टोर्शन है या कलर बेंडिंग है वो ना आए। ठीक है जी, तो ये हमारा देख सकते हैं आप बिफोर और ये थोड़ा सा आफ्टर, और यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे एक विनियट इफेक्ट, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लेंगे ब्लैक एंड वाइट, अगर जैसे ये वाला नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से न्यूट्रल डेंसिटी सेलेक्ट कर लें और अपेंड कर दें, और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लें ब्लैक वाला और फिर प्रेस कर दें ओके, और यहाँ से स्टाइल को चेंज कर दें हम रेडियल और यहाँ पर चेक कर दें रिवर्स और इसको क्लिक करके ड्रैग कर दें फेस पर और यहाँ से स्केल को इंक्रीज कर देते हैं समथिंग लाइक दिस ओके, और यहाँ पर हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो ब्लैक के बजाय हम यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ा सा ऑरेंज वाला कलर, ये वाला, और ये जो कलर है आई थिंक थोड़ा सा डार्क लें या लाइट, ये डार्क वाला कलर ले लेते हैं, डार्क वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके प्रेस कर लेंगे, न्यू क्रिएट कर लेंगे ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकें, और ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से फिर ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको डालने से हमारे पास एक दिस रेड कलर के जैसी ही हमारी ह्यू आ गई है। और ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से फेस पर से हम इसको और मॉडल पे से हम इस इफेक्ट को रिमूव कर देंगे। देखिए हम मास्क पर पेंट कर रहे हैं ब्रश टूल से, तो ये चीज़ यहाँ से अब हमारी गायब हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये सिर्फ हमारा बाहर ही इफेक्ट हो रहा है, और इसकी ओपेसिटी को आप चाहें तो इसको थोड़ा सी कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम इसकी आइज़ पर काम करेंगे, तो एक नई ब्लैंक लेयर क्रिएट करेंगे, जूम इन कर लेते हैं और ब्रश टूल ले लिए हमने, और ब्रश टूल में अब की बार कलर लेंगे वाइट, और इसकी आइज़ पर ये जो जहाँ हाईलाइट्स दिखाई दे रही हैं आपको वहाँ पर पेंट करना है 100% ओपेसिटी से ओके। थोड़ी सी इस तरह की आपको शेप बनानी है, और यहाँ से लेयर ब्लेंड मोड चेंज कर देते हैं ओवरले, तो उसके बाद आइज़ में थोड़ा सा हमारा स्पार्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी आई है एक तो इससे, तो इसको लेंगे ब्रश टूल और ब्लैक कलर से हम यहाँ पर आईब्रो पर पेस्ट कर देते हैं और इसको बंद करते हैं। ये देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो कलर वाली है आईब्रोज के पास ये कहाँ से आई है ओके। तो ये कलर लुकअप टेबल है, इसमें से प्रॉब्लम ये है, तो ब्लैक कलर से हम इस पर पेंट कर देंगे, तो ये जो है प्रॉब्लम यहाँ से गायब हो जाएगी ओके। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दी और बाकी के लेयर को हम दोबारा ऑन कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम देखिए इस वाली में थी, तो ये तो हमने इसको रिमूव ही कर देते हैं। तो अब ये हमारी लुक कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं दिखाई देगी, और इसको थोड़ी सी ओपेसिटीज की और कम कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। अब हम एक मर्ज कॉपी क्रिएट करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाकर, उसके बाद हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी और सॉरी लेयर ब्लेंड मोड को चेंज कर देंगे लीनियर लाइट्स में, और फिर फिल्टर में जाके अदर जाके चूज़ करेंगे हाई पास, और यहाँ पर 1.2 हम चूज़ कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी इमेज और भी ज़्यादा शार्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी शार्प होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक फॉलिंग लीव्स का टेक्सचर,
तो ये मेरी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, एंटर कर देते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम मास्क और ब्रश टूल, और ब्रश टूल से लेके अब हम इसको फेस के पास से ही इसको रिमूव कर देंगे, बॉडी पे से कहीं पर यहाँ पर। ओके, अब हम एक नई लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश टूल, अब की बार हम स्वेचेस में जाएंगे और हम इसमें से ले लेंगे ये ऑरेंज कलर या फिर ये येलो कलर, लेके देखते हैं येलो कलर कैसा लगता है। यहाँ पर पेंट करेंगे एक बार और फिर कंट्रोल डी दबाकर इसको हम स्प्रेड कर देंगे समथिंग लाइक दिस, और इसकी पोजीशन को हम डाल देंगे यहाँ पर। ये एंटर प्रेस करेंगे और इसकी लेयर ब्लेंड मोड को चेंज करेंगे, लाइटन या फिर स्क्रीन देखते हैं, या फिर सॉफ्ट लाइट, नहीं हार्ड लाइट, ओके आई थिंक स्क्रीन और लाइटन दोनों में से ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे कम थोड़ी सी, और एक बार हम ऑरेंज कलर और लेके देखते हैं। तो एक नई लेयर क्रिएट करते हैं और फिर ऑरेंज कलर ले लेते हैं और इसका लेयर ब्लेंड मोड चेंज करते हैं लीनियर डॉज से, और यहाँ पर पेंट करते हैं कंट्रोल टी और स्प्रेड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी आई थिंक। ये कुछ ज़्यादा ही लग रही है आई थिंक, और ये वाली ठीक है। ओके, कंट्रोल टी दबाइए और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं यहाँ पर लाइट कुछ इस तरह से, और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे। तो ये ऐसा लगेगा ये लाइट थोड़ी सी वहाँ से आ रही है और लीव्स हमारे नज़दीक हैं, लाइट्स वहाँ पर दूर हैं, ये जो लाइट आ रही है। ओके, अब हम फाइनली इसको देखते हैं, आई थिंक ये सही नहीं लग रही है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अब फाइनल हम इसमें एक एक्सपोजर वाली यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करते हैं, और फिर अब ये जो एक्सपोजर वाला टैब है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और गामा में हम इसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट आ जाए, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ करके अब ये ज़्यादा बेटर लग रही है। अब एक फाइनल एक और यहाँ पर कर्व्स एडजस्टमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ से मिड टोन में से क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे यहाँ पर, और कंट्रोल आई दबाकर इसको इन्वर्ट कर देंगे। और अब की बार लेंगे ब्रश टू, सेम सॉफ्ट एज ब्रश, ब्लैक कलर, सॉरी इस टाइम वाइट कलर लेंगे और इसकी ओपेसिटी ले लेते हैं 10%, और उसके बाद हम मॉडल के फेस पर पेंट करेंगे ताकि ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, ठीक है, और इस एरिया में भी। और सेव कर लेते हैं और मूव टूल सेलेक्ट करके पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे लेयर, और सबसे नीचे वाली को दो सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी दबाएंगे और ये हमारी ग्रुप हो गई। और हम इसको सेव कर लेते हैं क्विकली, और आप देख सकते हैं एक बार इसको सेव हो जाने दीजिए, ये हमारा थी बिफोर इमेज और ये आफ्टर इमेज। आपको एक बार फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये आफ्टर इमेज, अब ये थी हमारी बिफोर इमेज।
सो थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया तो हिट द डिसलाइक बटन। अगर मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। वंस अगेन, आप मेरे प्रीमियम ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं, वो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वो बहुत ही इन डेप्थ होते हैं, प्लस में उनमें आपको मिलती है पर्सनल अटेंशन एंड सपोर्ट ताकि आप अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकें। तो उन सब का डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप शूटिंग एंड अनलीश द क्रिएटिव इन यू। बाय बाय।